हम ब्रूसेलोसिस टीकाकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस दौरान हमें काफी सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे ब्रूसेलोसिस का टीका लगाने वालों को बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें मास्क, दस्ताने, सुरक्षात्मक चश्मे, लैब कोट और बूट के साथ खुद को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। ब्रुसेला वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच संग्रहित और ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। ब्रुसेला वैक्सीन 2 शीशियों में आती है, जिनमें 1 फ्रीज ड्राइड वैक्सीन और दूसरी शीशी में डाइल्यूएंट होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए वैक्सीन के साथ दिए गए डाइल्यूएंट का ही उपयोग करें। डाइल्यूएंट को सूखे मिश्रण में डालने के बाद शीशी को अच्छी तरह से हिलाएं। प्रत्येक जानवर को 2 मिलीलीटर की खुराक दी जाए। दवाई तैयार कर लेने के बाद उसको बर्फ पर रखें और इसका इस्तेमाल 2 से 3 घंटे में कर लें। फ्रिज में शीशी और भंडारण के आंशिक उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है। ब्रूसेलोसिस का टीका केवल मादा बच्चियों को, जिनकी उम्र 4 से 8 माह के बीच की है, जीवन काल में 1 ही बार लगाना चाहिए। 1.5 इंच वाली 16 या 18 गेज की सुई गर्दन वाले भाग में केवल चमड़े के नीचे की ओर लगाएं, ताकि पशु से हटाए गए ढीली त्वचा पर टीका लगा सकें। 30 से 60 सेकंड तक उस भाग को सहलाएं जहां टीका लगाया गया है। उपयोग के बाद सुई को इंसिनरेटर में जला दें एवं सिरिंज का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से निस्तारण करें, ताकि वह मानव संक्रमण का कारण न बन सके। अगर पहले से टैग न लगा हो तो टीकाकरण से पहले टैग लगवाएं व टैग स्कैन करने के बाद जानकारी इनाफ की वेबसाइट पर अपडेट करें। याद रखें, टीकाकरण सुबह या शाम को ही होना चाहिए। वो बच्चिया जो बीमार हो या उनका तापमान अधिक हो, उन्हें टीका नहीं लगाना चाहिए। टीकाकरण के पश्चात जानवरों के असाधारण व्यवहार का ध्यान रखें। ध्यान रहे, नियमित टीकाकरण से ही पशुओं को बचाया जा सकता है। क्षेत्र में अभ्यास करने वाले पशुओं के डॉक्टर गांव में डेयरी किसानों तथा ग्राम पंचायत के साथ मिलकर ग्रामीण स्तर की बैठकों में ब्रूसेलोसिस पर जागरूकता फैलाएं, जिससे कि इस संक्रमण की बीमारी को नियंत्रित किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए निकटतम पशु चिकित्सालय केंद्र पर जाएं। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जनहित में जारी।